हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वाई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फेज डाइग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम स्पेशली कॉपर एंड सिल्वर यूटैक्टिक सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वट एज अ टू कम्पोनेंट सिस्टम दो कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है इसको हमें सबसे पहले समझना है और इसी दो कम्पोनेंट सिस्टम के बेसिस पे जो हमारा फेज रूल था वो रिड्यूस फेज रूल में कन्वर्ट हो जाता है या जिसको हम बोलते हैं कंडेंस सिस्टम में ऐसा क्यों हुआ ये देख लेते हैं हम जानते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम विल बी थ्री कैसे होगा जब हम इस नंबर ऑफ वैल्यूज जो है टू कंपोनेंट की सी की वैल्यू हम टू रखेंगे और जब फेज देखेंगे तब हम मिनिमम कंडीशन में हम सिंगल फेज को मानते हैं तब जाके ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है थ्री आती कैसे आएगी एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू वी c वैल्यू ऑफ to 2 टू माइनस वन प्लस टून मीन दैट मीन एफ इज इक्वल टू थ्री तो जब दो कंपोनेंट सिस्टम होंगे उस दो कंपोनेंट सिस्टम में अगर मिनिमम एक सिंगल फेज होगा तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास तीन आएगी तो so, हमें समझने के लिए अगर हम किसी भी सिस्टम को जहां पर दो कंपोनेंट हैं उसको समझने की कोशिश करें तो हम ग्राफिकली समझने के लिए हमें क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री आ रही तो हमें वी रिक्वायर्ड थ्री कोऑर्डिनेट्स क्योंकि हमें तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर को देखना है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में प्रेशर तीनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेक करना है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ग्राफिकली यानी हमें जो ग्राफ के बेसिस तो हम देखेंगे तो हमें जो आवश्यकता किसकी पड़ेगी तीन कोऑर्डिनेट्स की पड़ेगी प्रेशर टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन बिकॉज वी हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री दिस रिक्वायर थ्री डायमेंशनल तीन आए तो तीन कंपोनेंटी uh, ग्राफ की जर, तीन डायमेंशनल ग्राफ की जरूरत पड़ेगी एंड विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर लेकिन तीन डायमेंशनल ग्राफ को पेपर में रिप्रेजेंट करना कन्वीनियंट नहीं होगा सुविधाजनक नहीं होगा जिसकी वजह से हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल चूज करते हैं देयर फोर एनी टू ऑफ थ्री वेरिएबल्स मस्ट बी चूज इन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे तीन जो हमारे पास वेरिएबल थे उन तीन वेरिएबल्स में से सिर्फ दो ही को चूज करेंगे अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ एन एलॉय अगर हम एलॉय का एग्जांपल ले लें क्योंकि तो एलॉय में नहीं दो कंपोनेंट मिला दिए जाते हैं हैज प्रैक्टिकली नो गैसेस फेज एंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नेग्लिजिबल तो जहाँ पर जो गैस नहीं बनेगी एलोईज में क्या होता है दो सॉलिड मिलेंगे जहां पर गैस जीरो होगी तो उस केस में हम जो एक्सपेरिमेंट ऐसा कंडक्ट करते हैं कि एटमोस्फिक प्रेशर हमारे पास हो और बाकी जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल हो तो हमारे पास सिर्फ दो कम्पोनेंट रह जाते हैं दो वेरिएबल्स रह जाते हैं कम्पोनेंट के साथ जिसमें कि हम प्रेशर और

अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को f की जगह पे हमने f डैस बोल दिया इज इक्वल टू c तो जो दो कंपोनेंट में से जो टू वैल्यूज थी उसमें से हमने एक को माइनस कर दिया क्योंकि प्रेशर को वी हैव टेकन द इज कॉल्ड रिड्यूस्ड फेज रूल और कंडेंस्ड फेज रूल इस प्रकार से ये जो इक्वेशन है इसको हम नाम देते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल और कंडेंस्ड फेज रूल इसके बाद थोड़ा सा और बात समझ लेते हैं तो अब हमने देखा इसको टू कंपोनेंट सिस्टम को क्लासिफाई किया अभी तक तो हमें समझ में आया कि फेज रूल को हमने कंडेंस कर दिया रिड्यूस कर दिया क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया हमने टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन को ही काउंट किया है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ड ऑन द सॉलिबिलिटी क्योंकि अब सोलिबिलिटी क्योंकि टेम्परेचर में प्रेशर तो हम देख नहीं रहे गैसेज फेज तो देख नहीं रहे तो हमें देखना पड़ेगा सोलिबिलिटी क्या है उसकी रिएक्टिव एबिलिटी क्या है तो इन दोनों तो को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि जो दो सिस्टम है, उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है पहला है है? तो ये क्या है? थोड़ा सा हम आगे समझेंगे इसको पहले इसको देख लेते हैं पहले में हमने देखा क्लासीफाई किया कि दो अगर कंपोनेंट आपस में मिल रहे हैं यूटेक्टिक फॉर्मेशन हो रहा है तो पहला दूसरा है दो कंपाउंड आपस में Uh, दो कंपोनेंट मिल रहे हैं और रहे हैं और और एक कंपाउंड कंपाउंड बना बना रहे रहे भी जब एक कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट उसका दिखा रहा है और साथ साथ में कंपाउंड फॉर्म हो रहा है लेकिन वो इनकॉन्गोरेंट मेल्टिंग पॉइंट से तो ये क्लासिफिकेशन आया कि मॉलिक्यूल पहले तो सिंपल यूटेक्टिक मिक्सचर बना रहा है दूसरा कंपाउंड बना जा रहा है यानी दो आपस में जो uh, ट थे वो रिएक्ट कर, कर लेते हैं लेकिन वो कॉन्गोरेट वेल्टिंग पॉइंट बताते हैं और कंपाउंड बना तो रहा है लेकिन वो पॉइंट के साथ बना रहा है तीसरा हमारे पास रहता है फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोल्यूशन तो तीन कैटेगरीज हमारे पास हैं जब दो तो कंपोनेंट आपस में रखे जाते हैं तीन तरीके से उनमें बिहेवियर होगा उसी बिहेवियर को हमने यहाँ पे ध्यान से समझा है पहला हमारे पास है सिंपल यूटेक्टिक फॉर्मेशन तो सिंपल यूटेक्टिक फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि बाइनरी सिस्टम में दो कंपोनेंट है और दो सिस्टम है दो सब्सटेंस है विच आर कंप्लीटली मिसिबल दो आपस में एक दूसरे से घुलनशील है मिल जा रहे हैं इसमें लिक्विड स्टेट में लेकिन दे कंप्लीटली इमिसिबल इन द सॉलिड स्टेट जब ये लिक्विड बन रहे हैं तो घुल जा रहे हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं घुल रहे तो उस प्रकार से जो इजीली मेल्ट होके मिसिबल हैं उसको हम यूटेक्टिक सिस्टम कहते हैं ये ध्यान रखना जरूरी है कि यूटेक्टिक किसे कह रहे हैं कि जब दो बाइनरी जो बाइनरी सिस्टम है दो सब्सटेंसीज जिसमें होते हैं अगर वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं लिक्विड स्टेट में होते हैं तो मिसिबल है लेकिन वो सॉलिड स्टेट में इमिशिबल है तो एक सिस्टम यह है दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली कंडीशन ये है कि वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं लेकिन मिक्स जरूर हो रहे हैं मिक्सचर हैविंग द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो मिक्सचर आया जो मिक्सचर बना त्रडिल लिक्विड फॉर्मेशन द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट हैविंग द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डिफरेंट मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेज इज नोन एड यूटेक्टिक मिक्सचर जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर का जो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वह उस मिक्सचर के लिए क्या कहला जाएगा जिसमें सबसे कम हो टेक्टिक मिक्सचर कहा जाएगा जिसमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट दिखे मिक्सचर मिक्सचर एक से अधिक कंपाउंड बन रहे हैं और उनका डेफिनेट प्रोपोर्शन है जो कंपाउंड इज सेट टू फिट कॉन्ग्रेन मेल्टिंग पॉइंट ये कॉन्ग्रेन मेल्टिंग पॉइंट कब कहाला जाएगा जब इट मेल्ट्स एग्जैक्टली एट अ कॉन्स्टेंट

यहां पर हमारे पास जो वैल्यू थी हमने कहा कि कंपाउंड इनकॉन्गुरेंट होगा जब वो डिकम्पोज हो जाएगा एट अ टेम्परेचर जब वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा टेम्परेचर पे वहां पे मेल्ट हो रहा था यहां पे डिकम्पोज हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मिंग न्यू सॉलिड फेज विद फेस डिफरेंट कंपोजिशन फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल दैट इज नोन एज इनकॉन्गोरेंट मेल्टिंग पॉइंट कॉन्गोरेंट का अलग है इनकॉन्गोरेंट का अलग है और तीसरा हमारे पास कंडीशन थी फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोल्यूशन बाइनरी सिस्टम जिसमें दो सब्सटेंसेस है जो मेटल की हम बात कर रहे हैं तो जब आपस में घुल जा रहे हैं बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट दोनों कंडीशन में तो सॉलिड सॉल्यूशन जो एंड फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन एंड दे आर मिक्सिंग टेक्स प्लेस इन दटोमिक लेवल तो एटोमिक लेवल में जब मिक्सिंग हो जा रही है सॉलिड सोल्यूशन का बन रहा है सॉलिड में भी आपस में मिल जा रहे हैं तो तीन कैटेगरी के हमारे पास दो कॉम्पोनेट सिस्टम मिलेंगे जिसमें हमने कॉन्गोडेंट नॉन कॉन्गोरेंट डिटेक्टिक और सॉलिड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो फॉर्मेशन है सॉलिड सोल्यूशन का ये सिर्फ और सिर्फ जिस ऐसे सब्सटेंसेज मेटल में होता है जिसमें एटोमिक रेडियस दोनों मेटल का फिफ्टी परसेंट से ज्यादा डिफरेंस में न हो कंडीशन है अगर किसी की तो इसके बाद जो बातें हमने समझी इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉपर और सिल्वर के यूटेक्टिक सिस्टम का सबसे पहली बात हम जानते हैं यूटेक्टिक सिस्टम किसे कहते हैं जब सिंपल काइंड की बात करते हैं सिस्टम विथ टू सॉलिड फेज तो दो फेज में जो आपस में लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं मिक्स हो जा रहे हैं उसको हम यूटेक्टिक सिस्टम में गए यूटेक्टिक मीन होता है इजिली मेल्टेड जो आसानी से मेल्ट हो जाए और इसी वजह से हमने इसको यूटेक्टिक uh, सिस्टम कहा क्योंकि इजीली मेल्ट हो जा रहा है ग्रीक वर्ड में इसका मतलब यूटेक्टिक का मतलब जो है वो ईजिली मेल्टेड का मतलब है दिस इज अ ग्राफ दिस ग्राफ एंड दिस डायग्राम बेसिकली इज बिटवीन द कंसेंट्रेशन एंड द टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू ट्वेल्व हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड यहां different, different different, different different, different so, पर ध्यान दिया कि जब दो लिक्विड हमारे पास थे अब यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हम एक लिक्विड हमारे पास एल्फा था एल्फा स्टेट में था दूसरा लिक्विड हमारे पास बीटा स्टेट में था जब हम अल्फा में धीरे धीरे करके बीटा मिलाते रहते हैं कहने का मतलब है कि वी आर डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्फा एंड वी आर इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बीटा फ्रॉम दिस एंड जीरो से हम बात कर रहे हैं तो जीरो में हमारे पास अगर हमने पास अल्फा है तो यहां पे हमारे पास बीटा हंड्रेड परसेंट होगा और उसी तरीके से यहां पर बीटा जीरो एल्फा हंड्रेड परसेंट बीटा हंड्रेड uh, परसेंट होगा तो अल्फा जीरो परसेंट होगा इसका मतलब हम मिसिबल कर रहे हैं मिक्स कर रहे हैं, टेम्परेचर के साथ साथ दो लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाते रह रहे हैं और अलग अलग कंडीशन पे उसका रिप्रेजेंटेशन मिला एक स्टेज ऐसी आई जहां पर लिक्विड भी था और वह पहला अल्फा सॉलिड फॉर्म में भी था और अगर हमने देखा टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन के साथ साथ जैसे कंसेंट्रेशन हमने बढ़ाई तो एक ऐसे पॉइंट मिलता है हमें जिस पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिस पॉइंट पर दोनों को हम मिला रहे हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पर एक सर्टेन कंसेंट्रेशन पर क्योंकि वी हैव टेकन प्रेशर इज अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी देर इज नो रोल ऑफ देश हेयर बट इफ यू आर इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी विल गेट अ पॉइंट वेयर बोथ द सब्सटेंसेस अल्फा एंड बीटा कन्वर्ट्स इनटू टू द मिक्सचर और इसी वजह से इस पॉइंट को हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया और इस टेम्परेचर के थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर होते ही दोनों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमने कहा वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पर दोनों लिक्विड दोनों सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं मेल्ट हो जाते हैं वह पॉइंट और यूटेक्टिक यही कंसेप्ट हमारा कॉपर और सिल्वर के लिए पूरा जो स्टेज है वो कंडीशन जो है क्योंकि ये लाइन को छोड़कर इस लाइन के नीचे जितना भी स्टेज है उसमें और बीटा दोनों सॉलिड फॉर्म में है इसके बाद हम इस कल्प uh, कॉपर और सिल्वर में समझने की कोशिश करते हैं दो सॉलिड फेज हैीटर्स ठीक है कॉपर एंड सिल्वर बोथ आर फेसेंटर्ड क्यूबिक सॉलिड उनका दोनों फेस सेंटर्ड है बट जो उनके लेटेस्ट पैरामीटर्स है या एटोमिक रेडिया है वो बहुत डिफरेंट है तो दे हैव लिमिटेड सोलिबिलिटी इन दी सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट में दोनों मिलेंगे नहीं सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं ये इसकी है थ्री सिंगल फेज रीजन अब यहाँ पे तीन फेजेस हमें मिल रहे हैं एक तो मिल रहा है लिक्विड का ध्यान देने वाली बात पूरा ओवरऑल लिक्विड है एक हमारे पास अल्फा का फेज है एक हमारे पास बीटा का फेज है तो इन तीन फेजों में हमने कहा सॉलिबिलिटी लिमिटेड है अल्फा जो है अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें तो कॉपर है अधिकतर केस में और बीटा जो है हमारे पास सिल्वर का है अधिकतर केस में यहाँ पे हमने सिल्वर लिया तो टेम्परेचर जो है जो नो लिक्विड टेम्परेचर जो यहाँ पे टेम्परेचर है इसके नीचे कोई लिक्विड है नहीं ये जो ये जो स्टेज है टेम्परेचर की इक्यूब्रियम कंडीशन पे इस इक्म कंडीशन के नीचे कोई भी लिक्विड नहीं है हमने पहले बात बात रखी यहाँ पे इस टेम्परेचर की इस मेटाबल मेटास्टेबल जो इक्विब्रियम है इसके नीचे कोई भी लिक्विड नहीं है सब सॉलिड फॉर्म में है इसके साथ साथ हमने एक सी सी वाला पॉइंट है हमारे पास यूटेक्टिक जिसको हम कहते हैं ये जो यहाँ पे सी दिख रहा है इसको हमने कहा सर्टेन कंसेंट्रेशन पे उस सर्टेन टेम्परेचर पे इक्विब्रम है ई का मतलब यहाँ पे इक्व्यूब्रम है टेम्परेचर का इक्विब्रम है ये कंसेंट्रेशन का इक्विब्रम है इस पॉइंट पे मिनिमम मेल्टिंग जो टेम्परेचर उस कंपोजिशन का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम है मिनिमम कहने का मतलब कि उस टेम्परेचर के नीचे वो सॉलिड है उस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड है इसीलिए वो ऐसा टेम्परेचर है मेटास्टेबल स्टेट का मेटास्टेबल इक्लिब्रिया का जो इक्लिबियम स्टेट का कि वो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर कहला रहा है कहला जाएगा कंपोजिशन इसके बाद हम इसमें देखते हैं यूटेक्टिक ट्रांजिशन और यूटेक्टिक ट्रांजिशन में क्या होता है जो लिक्विड है उस टेम्परेचर पे ध्यान देने वाली बात यहां को हम इसी पावर पोर्शन को हम लिक्विड इक्विटेटिक ट्रांजिशन कहते हैं ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं इस वाले पॉइंट पॉइंट को क्योंकि ये जो है ट्रांजिशन uh, फेज को बता रहा है लिक्विड कंसेंट्रेशन है और वो इक्विब्रियम है किसके साथ अल्फा और बीटा के साथ अल्फा और बीटा के साथ वो इक्विब्रियम है वो लिक्विड स्टेट अल्फा और बीटा के साथ इक्विबम स्टेट में होने की वजह से इसको यूटेक्टिक यूटेक्टिक ट्रांजिशन कहेंगे। eutectic का मतलब तो इजी मेल्टिंग है लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है क्योंकि दिस वेरी यूटेक्टिक पॉइंट अब हमने जो पहले बात की थोड़ा और इलाबोरेशन इसको करते हैं हम जानते हैं कि ये जो ई e पॉइंट है वो क्या है दिस ई पॉइंट इज वॉट दिस इज तो टैक्टिक पॉइंट जहां पर दो लिक्विड लाइन मिलती हैं जहां पे दो लिक्विड लाइन कौन सी मिल रही है एक लाइन ये मिल रही है और एक लाइन ये मिल रही है ये हमने बात की कंपोजिशन ऑफ कॉपर इंक्रीजिंग सिल्वर इंक्रीजिंग यहाँ पे सिल्वर का कंपोजिशन है परसेंटेज में और यहाँ पे कंपोजिशन देखो दो चीजें हैं यहाँ पे कॉपर हमारे पास जीरो परसेंट है तो सिल्वर हंड्रेड परसेंट है इसका मतलब यहां पे सिल्वर हंड्रेड कॉपर uh, uh, इस केस में जीरो परसेंट होगा यानी कॉपर अगर हमारे पास यहाँ पर जीरो परसेंट है तो सिल्वर हंड्रेड परसेंट होगा और यहाँ पर अगर सिल्वर जीरो परसेंट तो कॉपर हंड्रेड परसेंट होगा तो इस ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन का कंसेप्ट है और यह टेम्परेचर हम टेम्परेचर हम ले रहे हैं तो टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन के बीच में ये ग्राफ है ये कॉपर और सिल्वर का फेज डायग्राम। तो ये पॉइंट हमारे पास ई पॉइंट क्या मिला दो लिक्विड एग्जिस्ट लिक्विडस लाइन एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ लिक्विडस इस लाइन को भी लिक्विडस कहेंगे इस लाइन को भी लिक्विडस हमने कहा समटाइम्स ऑल्सो रिफर इनवेरियंट पॉइंट इनवेरियंट क्यों कहेंगे हम इस पॉइंट को डेफिनेटली जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो या नॉन वेरियंट जिसको हम कहेंगे अब इसके लिए इटेक्टिक रिएक्शन क्या होगी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात रही थी जो ट्रांजिशन मिला था लिक्विड जो है वो अल्फा और बीटा में कूल और हीट करने में मिल जा रहा है तो वो रिएक्शन रिएक्शन उसके लिए होगी सिमिलर टू टू वन कंपोनेंट प्योर सिस्टम एक्सेप्ट सॉलिड यहाँ पे वो, वो वन कंपोनेंट सिस्टम की तरह है लेकिन उसकी दो फेजेज हैं कॉपर सिल्वर सिस्टम की हम बात करेंगे तो लिक्विड जो है वह डिफरेंट दिफरें डिफरेंट परसेंटेज ऑफ सिल्वर और परसेंटेज ऑफ इसमें कंजिस्ट कंसिस्ट करता है। टल सॉलिड लाइंस जो टी टी यहाँ पे हमने देखा जो लाइन है, लेकिन हमें एक चीज और समझनी है डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग ट्रिपल पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है और हैविंग टू द सेम कम्पोजिशन विच आर इन इक्विलिब्रियम सॉलिड ए सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है यूटेक्टिक पॉइंट उसे कहेंगे ऐसा टेंपरेचर जहाँ पे दो सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विब्रम में होते हैं दो सॉलिड फेज लिक्विड के साथ इक्विब्रम में वो है वो यूटेक्टिक पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट उसे कहेंगे जहाँ पे सॉलिड लिक्विड और वेपर तीनों के फेज इक्विब्रम में होते हैं और ऐसा टेम्परेचर All the eutectic points are melting point. ध्यान देने वाली बात All the eutectic points are melting point, but all the melting points need not to be eutectic point. Similarly, all the eutectic points are triple point but all the triple points need not to be eutectic teen condition hame samajhni zaruri hai aur triple point melting point eutectic point mein difference samjho to ye ek equilibrium state hai aisa temperature jahan pe solid liquid mein equilibrium mein aata hai melting point eutectic point temperature aisa temperature jisme do solid ek liquid mein convert ho jata hai equilibrium में रहता है उसको हम eutectic point कहेंगे Triple point में solid, liquid और vapor तीनों उस temperature पे equilibrium में रहते हैं

डिसाइड वेदर द गि नंबर ऑफ सब्सटेंट रिमेन इक्लिप्रियम और नॉट रहता है अपलिकेबल टू माइक्रोस्कोपिक सिस्टम विदाउटरिंग ऑल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ड नॉट कंसिडर द नेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंट इन दिस्टम उसका नेचर नहीं पता होता लिमिटेशन क्या है फेज यूल फेज यूल कैन बी अपलाइड ऑनली हाइड्रोजनस सिस्टम्रिया हाइड्रोजेनियस सिस्टम में ही अपलिकेबल है थ्री वेरिएबल प्रेशर टेम्परेचर कंसेंट्रेशन ही कंसिडर किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर नहीं किया जाता

This is the end of this lecture. Now it is must to understand how the two component system occurs, and uh, this two component system converts the phase rule into the reduced and condensed system. If you like this lecture, just share it, and if you have any doubts, please clear your doubts by typing your questions. I'll try to solve all the doubts within a particular time uh, watching thanks for watching this video